जय हिंद दोस्तों, बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट वॉइस की। इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया था, है ना। बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट वॉइस की। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट वॉइस हो गया, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, नेगेटिव सेंटेंस में उसमें डिड लगता है। एक्टिव वॉइस की यदि बात की जाए तो एक्टिव वॉइस का जैसा स्ट्रक्चर होगा वो टेंस से ही लिया जाता है एक्टिव वॉइस का, ठीक है। ए भी मतलब होता है एक्टिव वॉइस। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई प्लस ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। बात करेंगे पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस में हमारा ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, ये हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया, प्लस वॉज स्लैश वर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये हमारा सिंपल का हो गया, ठीक है। यदि आप चाहो तो मैं लिख भी सकता हूँ सिंपल, बट कोई नेसेसरी नहीं है, है ना। अब बात करेंगे इसकी एक्टिव वॉइस की। नेगेटिव वाला देख लो भाई, नेगेटिव वाला कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। पैसिव वॉइस की यदि बात की जाए, पैसिव वॉइस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज स्लैश वर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस। अब बात करेंगे एक्टिव वॉइस की, इंटरोगेटिव की। तो इंटरोगेटिव कैसे बनेगा बेटा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस की बात की जाए तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, वॉज स्लैश वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब बात करेंगे हम इंटरोगेटिव नेगेटिव की। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव हमारा कैसा बनेगा, एक्टिव वॉइस में क्या होगा, डिड हमारा पहले आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस में देख लो क्या होगा, वॉज स्लैश वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क। एक्टिव वॉइस में देख लो बेटा, पांचवा वाला क्या कहता है, व्हाट प्लस सी। सी मतलब क्या होता है, देखो व्हाट मतलब होता है बेटा डब्ल्यू एच फैमिली। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डब्ल्यू एच फैमिली सो द वर्ड्स आर इंक्लूडेड, कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, देखो व्हाट हुम लिख भी देता हूँ यहाँ साइड में, है ना, यहाँ लिख देता हूँ यहाँ कौन कौन से वर्ड होंगे वो भी देख लो। पिछली बार बता चुका था मैं उस वीडियो में, फिर भी एक बार बता देता हूँ, व्हाट हुम वेयर विच, है ना, हु, ये वर्ड होते हैं, है ना। हु हो गया हमारा, व्हाट हो गया, हुम हो गया, वेयर हो गया और वाई हो गया। तो ये सारे वर्ड हमारे जो होते हैं वो डब्ल्यू एच फैमिली में इंक्लूडेड होते हैं। अब बात करी जाए तो ये वर्ड प्लस सी, सी मतलब जो हमारा तीसरा वाला स्ट्रक्चर होता है वो एज इट इज आ जाता है। ऐसे ही पैसिव वॉइस में जो हमारा सी वाला स्ट्रक्चर होता है बेटा वो एज इट इज आ जाता है। अब मैं बात करूँगा इसके एक्टिव वॉइस की, तो एक्टिव वॉइस में हमारा वर्ड प्लस डी और पैसिव वॉइस में वर्ड प्लस डी सेम होता है। वर्ड मतलब डब्ल्यू एच फैमिली और डी मतलब चौथा वाला स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और अब मैं आपको आगे ये भी बताऊँगा, जो वॉज होगा हमारा, वॉज हमारा सिंगुलर नाउन के साथ, किसके साथ, सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होगा, सिंगुलर नाउन के साथ। और जो वर हमारा होगा, वर वर ये हमारा होगा, ये हमारा प्लूरल नाउन के साथ होगा, किसके साथ, प्लूरल नाउन के साथ यूज़ होगा, है ना। तो इतना था। अब मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ, ऑल द स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, एक चैलेंज है आप सभी के लिए। यदि कोई भी बच्चा मेरे क्वेश्चन का आंसर देता है कमेंट बॉक्स में तो मैं उसको 100 रुपीज़ का रिवॉर्ड दूंगा। क्वेश्चन क्या, वो क्वेश्चन देख लो, अच्छा सबसे पहले क्वेश्चन सुन लो, वाई एंड व्हेन, वाई एंड व्हेन वी यूज, वाई एंड व्हेन वी यूज पैसिव स्ट्रक्चर, पैसिव स्ट्रक्चर, ठीक है, ये क्वेश्चन है हम लोग का, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका आप लोग को रिप्लाई देना है, ठीक है। यदि आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर इसके रिप्लाई देते हो, रिप्लाई ठीक निकलता है तो मैं आपको 100 रुपये का रिवॉर्ड दूंगा, बात समझ में आई। और जिन लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती हो आगे भी शेयर करें अपने भाइयों को, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा, इसमें कुछ नहीं जाता है, ठीक है। यदि कोई भी इंसान मेहनत करता है आपके साथ तो आप उसको कुछ ना कुछ तो दीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गुरुदीक्षा या फिर कुछ और अन्य चीज़ें, नहीं मैं बोल रहा हूँ, ऑनली ऑन देखना ही तो है आपको, और दूसरे को शेयर कर दो। यदि कोई व्यक्ति, आप सुन लो मेरी एक बात, यदि आप सपोज करो कि आपने किसी की मदद कर दी, ठीक, और वो आपको थैंक्स बोलता है, तो आप उससे ये बोलिए कि भाई साहब आप
थैंक्स मत बोलिए, आप और दो लोगों की मदद कीजिए। सपोज करो कि वो दो लोग जब, अब समझो ये दो लोग मदद करेंगे, फिर ये दो लोग और दो दो की मदद करेंगे, तो अपना जो इंडिया है ना वो कभी भी कोई भी परेशानी में नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई परेशानी में होगा तो सामने वाला आपकी मदद के लिए हमेशा ऑलवेज खड़ा होगा। बात समझ में आई? तो कभी भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक बार आपस में ही सॉर्ट आउट करो सबसे पहले, उसके बाद कहीं और जाओ, ठीक है ना। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद क्लास।